हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। SBI क्लर्क मीन्स परसों आपका पेपर हो रहा होगा 15 जनवरी को, द डी डे जिसको आप बोलते हो। तो ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है आप सबने अपना मोर देन 100% अपना तैयारी में झोंक दिया था, अपना फुल एफर्ट लगा दिया था और इस बार डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। तो सबसे पहले चीज़ तो माइंडसेट में ये मत करो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत दूर की बात है, इस बार हो गई होगा, पहले ये माइंडसेट करना है। सेकंड चीज, इस सेशन में आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम में अपना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब हम घर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के या फिर टेबल चेयर पे बैठ के अपना मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो एक प्रेशर होता है जो एग्जाम का प्रेशर होता है, और जो पहली बार मॉक दे रहे होंगे, मेंस दे रहे होंगे, उनको ये चीज़ डेफिनेटली आइडिया नहीं है कि वो क्या प्रेशर होता है। तो बहुत चीज़ें आप ऐसा होगा जो आपको शायद हर मॉक टेस्ट में करते हुए आ रहे थे, उसमें एक छोटी सी गलती की वजह से आप मिस कर पा रहे, ठीक है। सेकंड चीज, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक एक ही मेंस दिया है, दैट इज IBPS PO मेंस, उन्होंने अभी तक क्लैरिकल मेंस का पेपर नहीं दिया था। फॉर्चुनेटली उनका पहला पेपर PO मेंस से प्रीलिम्स ही क्लियर हुआ था, तो उन्होंने एक ज़्यादा एजम्पशन बना रखा है और सबसे ज़्यादा नर्वस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पेपर देख लिया ना मेंस में जो शायद से PO मेंस में भी अभी तक मुश्किल से कभी कभार देखने को मिल जाता है। 2-3 साल में एक बार ऐसा डिफिकल्ट पेपर क्वांट का अगर आपने देखा होगा तो मिल जाता है देखने को। तो उन्होंने ऐसा परसेप्शन बना लिया कि मेंस का पेपर ही ऐसा होता है। सबसे पहली बात, आपने PO मेंस दिया था, ये क्लैरिकल मेंस है। PO मेंस में आपके 100% कॉन्सेप्ट पे काम होता है। 225 में से आपका 200 कितना 70 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था ना, यहाँ पे 90 कट ऑफ जाएगा 200 में से। तो अगर 200 में से 90 कट ऑफ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्लैरिकल मेंस इज ऑल अबाउट आपकी स्पीड, और कॉन्सेप्ट तो जरूरी है बट उतना ज़्यादा डीप में जाकर कॉन्सेप्ट नहीं सीख पूछेगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लैरिक PO मेंस पे जितना भी स्कोर गया उस चीज़ को कीप असाइड कर दो, और थोड़ा सा ये क्लैरिकल मेंस से लाइट पेपर बनेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो सबके लिए आता है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस के साथ। आपको पता है कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 नंबर के, 35 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इसमें। ये एक ऐसा सेक्शन होगा जिसमें आपको टाइम की कमी कभी फील नहीं होगी, आपको आराम से कितना भी आप कर लो टाइम ले लोगे ना तो 20 से 25 मिनट तक आप बना के बैठ जाओगे, 10 मिनट तो आप आराम से रेस्ट करोगे। वो अलग बात है कि आप अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ के ज़्यादा बनाने, अगर 3-4 बार 5 बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगे, तो फिर आप पूरे टाइम तो पूरा यूज़ करोगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सेफर साइड ही खेलोगे तो फिर आप आराम से 20 से 25 मिनट में बना के बैठ जाओगे। इसको जब आप GA का सेक्शन अटेम्प्ट करोगे आपको दो चीज़ें करनी है, दो फेज में अटेम्प्ट करना है पेपर को। पहला फेज, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक जाओ, एक एक करके क्वेश्चन में पढ़ते चले जाओ। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ क्या आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से GA तैयार करें। आपको जिस क्वेश्चन में 100% श्योरिटी है, क्या होता है ना कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आपने GA का नोट्स करा होगा या फिर किसी PDF से पढ़ रहे तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्विज से क्विजेस भी लगाए होंगे। तो जब आप क्विज के फॉर्म में तैयारी कर रहे थे ना, तो अब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखोगे तो आपको 4 ऑप्शन में से कुछ क्वेश्चन, मतलब मैं बोलूंगा 20% ले लेता हूँ, 25% कुछ बच्चों का 25, कुछ का 20%, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप श्योर शॉट होगे कि 100% एक्यूरेसी है इसमें। तो पहले उन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लो जिनमें आपको लगता है कि आप 100% करेक्ट ही कर रहे हो। फिर आप 50-50 वाला लो उस केस में जहाँ पे दो ऑप्शन में आपको ये है कि मतलब चलो AB तो नहीं होगा, CRD में से कोई एक होगा, 4 में से 2 एलिमिनेट हो रहे हैं और 2 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कन्फ्यूजन, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चले जाओ। जब पूरा क्वेश्चन नंबर 1-50 अटेम्प्ट हो जाएगा फिर सेकंड फेज में आपको आके वो जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन है उसमें जाके फर्स्ट सेकंड देखो, आपने पढ़ा हुआ है तभी आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू करा, तभी आपको 2 में कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीपल टाइम्स उस क्वेश्चन को ना पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप किसी भी क्विज में या किसी भी PDF से अगर आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो क्लिक करेगा आपको, ठीक है। हो सकता है कि आपने 15 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करे, 10 ही अटेम्प्ट हो पाए, तो इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक चीज़, जब आप GA का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आपको पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक आपको आइडिया नहीं कि पेपर डिफिकल्ट सेट हुआ है कि इजी सेट हुआ है। हो सकता है कि पहले फेज में आप जो 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन बना रहे थे आपसे 10 ही क्वेश्चन छोड़ो 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, तो वहाँ पे ना 80-20, 50-50 वाला रिस्क उस फेज में मत लेना बैठना, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आया होगा तो सबके लिए आया होगा। और आपकी एक छोटी सी गलती जहाँ पे आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में ही, शायद से बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल पेपर आपका ये, इसके बाद ना इंटरव्यू ना कोई और पेपर, सीधा सीधा सिलेक्शन है। अगर ये क्लियर तो बैंक में बैठोगे, नहीं क्लियर तो अगले बार फिर प्रीलिम्स दोगे, इतनी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है। सबसे मेन पॉइंट आता है क्वांट का, और IBPS PO वालों बहुत ज़्यादा प्यार हो गया होगा आपको क्वांट से, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था PO मेंस में।
देखो क्लरिकल मीन्स डिफिकल्ट आता है पेपर, ऐसा नहीं बोलो क्योंकि मैं मेंस तो मेंस से तो ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट आएगा, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं आता जितना पीयू का आता है। यहाँ पे डूएबल होते हैं। और एक चीज देखो, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन को करने के लिए 50 नंबर मिल रहे प्लस 45 मिनट का टाइम मिल रहा है। और स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैंने आपको क्या बोला था कि मेंस इज ऑल अबाउट कि आपको ये पता है कि आप किस क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो ये तो कभी मत सोच के जाओ कि मैं 50 में से 50 क्वेश्चन बना के 50 नंबर लेके आ जाऊंगा। अगर आपने ये माइंडसेट कर लिया ना कि प्रीलिम्स में तो मैंने 95 अटेम्प्ट स्कोर किया था, तो भैया सबसे पहले गलती यही है कि यहाँ पे ये चीज़ें मत करना। और इसीलिए आप बार बहुत बार देखते होगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करते हैं 95, 96, 97, बट मेंस में क्लियर नहीं हो पाता। रीजन बीइंग दैट कि उनको लगता है कि मैंने तो प्रीलिम्स में 35 किए थे, यहाँ पे भी करूँगा, नहीं करना है। आप ये टारगेट करके चलो कि आप 30-30-20-20 का टारगेट कर लो, आप किसी भी स्टेट से हो। 30-30-20-20 क्या है, आपके चार सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट आपको ऐसे पकड़ने पड़ेंगे जिसमें आपको 30 तक जाना है, जहां पे आपको 30 नंबर लाने हैं। अगर आपने दो सब्जेक्ट में 30-30 लेके आ गए तो जो आपका दो वीक या एवरेज टॉपिक भी है ना, आप वहां से 20-20 करके भी निकल जाओगे, 25-15 में भी निकल जाओगे, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपका क्वांट है तो आप ये टारगेट करके चलो ना कि मेरे को यहां से 30 क्वेश्चन बनाने हैं, कितने देर में, 45 मिनट में। काम आसान नजर आना स्टार्ट हो गया होगा। तो जब ये 45 मिनट का सेक्शन खुलेगा ना, तो पहले 5 मिनट में मैं क्या करूंगा, और क्वांट में आएगा क्या क्या, या तो क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और एप्रोक्सीमेशन, इन तीनों में से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। और एक ही टॉपिक आएगा, कोई ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक आएगा, मोस्टली एक ही आता है, होने को चांसेस कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली क्या होता है, एक टॉपिक के 6 क्वेश्चन हर कोई डूएबल करेगा। सेकेंड चीज, अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप तो पहले एक बार गो थ्रू करो कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। आपने देखा अप्रोक्सीमेशन आया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख लो कि भैया यहाँ से अप्रोक्सीमेशन है, बढ़ते चले गए। आपने डीआई देखा, डीआई भी क्या आएगा आपका, देखो एक तो जो नॉर्मल सा डीआई आता है वो आएगा, टेबुलर फॉर्म में दे दिया। और ये मत समझना कि हर क्वेश्चन वेरिएबल के साथ आएगा, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आपका नहीं बन रहा होगा। तो आपको साथ साथ ये भी स्क्रीनिंग करनी है कि किस क्वेश्चन का वेरिएबल आप इजिली फिगर आउट कर सकते हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का वेरिएबल इजिली फिगर आउट हो रहा होगा और आपके पास जो क्वेश्चन भी है वो ज़्यादा लेंदी है, तो आपको वो भी चीज़ आपके माइंड में सेट करके रखना है, चलो भैया अगर वेरिएबल हो भी गया तो भी ये टाइम टेकिंग डीआई है। कुछ कोई डीआई ऐसे होंगे जो शायद से 3 मिनट 4 मिनट में आपसे डिकोड होगा, 5 मिनट में डिकोड होगा, बट आगे के 3-4 क्वेश्चन बड़े इजीली बन रहे होंगे, तो वो चीज़ भी आपको वहीं पे मेंशन करनी पड़ेगी खुद में। तो सबसे पहले ये देखा, फिर आपका 3-4 डीआई आएगा। डीआई में आप देख लो कि क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। 2 डीआई पकड़ लो सॉल्व करने वाला, ठीक है, 2 डीआई देख ले जो आपको डूएबल लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी, तो आपको ऑब्वियसली बातें बनेगा। तो 2 डीआई आपको मार्क कर लेना है उसी टाइम में कि अच्छा मेरे को ये डीआई करना है। वहां से आगे निकला अर्थमेटिक। एक चीज बता देता हूं, सबसे पहले अगर अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ रहे हैं, 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कितनी भी कोशिश कर लो ना 5-6 मिनट का टाइम लेके भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जानबूझ के दिया जाता है कि आप उस क्वेश्चन में फंसो और अपना टाइम वेस्ट करो ताकि आगे क्वेश्चन आपसे ना बने और कटअप पे उतना ज्यादा इंपैक्ट ना हो। तो 20-30% क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पे आपको स्किप करना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को, तो फिर लेकिन 20-25% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो इजीली डूएबल होंगे, तो आपको उसको भी मार्क करके चलना है। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि अर्थमेटिक मार्क कर लिया, ठीक है, देन डेटा सफिशियंसी और आपका आएगा Q1 Q2। देखो Q1 Q2 से ज्यादा प्रेफर मैं हमेशा देता हूँ अर्थमेटिक को, क्योंकि Q1 Q2 में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके 1 नंबर मिलेगा, अर्थमेटिक में 1 क्वेश्चन सॉल्व करके 1 नंबर मिलेगा। हाँ, वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट दोनों में जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट किस टॉपिक में कितना तगड़ा है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत तगड़ा है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से अर्थमेटिक नहीं आके 2 Q1 Q2 के क्वेश्चन है, तो फिर आपको Q1 Q2 बनाने, ठीक है। डेटा सफिशियंसी एक ऐसा टॉपिक है, वही बात है कि अगर अर्थमेटिक का टॉपिक स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैं जब भी मेंस देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले अप्रोक्सीमेशन बनाया, और अगर डेटा सफिशियंसी क्लरिकल लेवल की बात करो अगर है तो मैं डेटा सफिशियंसी बनाऊंगा पहले, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपके पास कॉन्सेप्ट है, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन इन चीज़ों की जरूरत है। तो आप देखो Q1 से मिल रहा है, Q2 से मिल रहा है, स्टेटमेंट 1 से मिल रहा है, स्टेटमेंट 2 से मिल रहा है। और एक बात ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट 1 से ना मिले ना, 2 देखा आपने तो आपको 2 से मिल जाएगा, कभी कभी क्या होगा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से आ रहा है, तो हम जल्दबाजी में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ कर लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से क्रॉस चेक करके देख लेना कि क्या स्टेटमेंट 2 से भी इंडिविजुअल आ रहा है, और फिर एक बार ऑप्शन भी देख लेना कि ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको बोलेगा इधर स्टेटमेंट 2 ओनली और स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर सफिशियंट फॉर, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ये चीज़ भी आपको ऑप्शन भी देखना है। तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स का देखना है, फिर आपको अगर डेटा सफिशियंसी में आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हैं तो वो देखना है, फिर आपने जो 2 डीए टिक करें
कैस्टलेट कभी भी पहले मत टिक करना अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो। लॉजिकल डीए पहले मत प्रैक्टिस करना, जो आपके पास वैल्यू बेस्ड डीए डेटा बेस्ड डीए आपको पहले वही अटेम्प्ट करने, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल डीए में कभी कभी क्या होगा ना, बहुत ईजी सा भी लॉजिक लगेगा ना और आपने बहुत प्रैक्टिस भी करी है, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लिक नहीं करेगा तो फिर आपका सारा गेम बिगड़ जाएगा। और कभी कभी बहुत ज्यादा भी डिफिकल्ट होगा ना, आपके पास मान लो कि एग्जाम में 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए, 5 मिनट ही बचा हुआ है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लॉजिक था, बट इंस्टेंटली आपका क्लिक कर गया तो 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लॉजिकल डीए मैं रिकमेंड करता हूँ कि बाद में आप अटेम्प्ट करना, पहले अप्रोक्सीमेशन जो भी आपका स्पीड मैथ्स है, फिर अगर आपको लग रहा है कि डेटा सफिशियंसी कर सकते हो, आप में कॉन्सेप्ट तक रहे तो डेटा सफिशियंसी, फिर आप दो डीए जो आपने पिक करे थे वो, और उसके बाद आप अर्थमेटिक जब टिक कर रहे थे तो आपने चूज कर लिया था कि ये क्वेश्चन इजीली डू होगा, फिर अर्थमेटिक पे चले जाओ, इस सीक्वेंस के साथ जाना है। अगर आपको लगे कि डीए दो में भी नहीं बन रहा तो आप फिर अर्थमेटिक को ही पहले पिक करोगे। यहां तक क्लियर है? तो जीए का समझ में आ गया होगा, क्वांट का समझ में आ गया होगा, पहुंचते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको पता है कि आपके पास क्या आएगा, कोडेड बहुत सारी चीजें आएंगी, कोडेड इनइक्वालिटी आएगा, कोडेड सीलॉग्स आएगा, कोडेड ब्लिंड डिस्टेंस आएगा, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, इन सारी चीजें कोडेड डायरेक्शन में कोडेड में फॉर्म में आएंगे। एक मशीन इनपुट आएगा और रेस्ट आपका क्या आ जाता है, पजल एंड डेटा सॉरी सेटिंग अरेंजमेंट। तो एक बात, कितना भी आपका तगड़ा होना पजल सेटिंग अरेंजमेंट, कितना भी मैं बोल रहा हूँ आपने 100% एक्यूरेसी बनाई अपने मॉक टेस्ट में, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे थे एक लिमिटेड टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे ना पजल सेटिंग अरेंजमेंट को, फिर भी एग्जाम में पहले आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना। आपको सबसे पहले जो कोडेड फॉर्म में था, सिलॉक्स बनने वाला टॉपिक है, कोड को डिकोड कर लेना, बस डिकोड करने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा, एक बार डिकोड कर लो फिर बना लो। इनइक्वालिटी बनने वाला टॉपिक है, ब्लड रिलेशन फंसाने वाला टॉपिक है, नहीं करना है पहले। डायरेक्शन डिस्टेंस अगर आप देखना कि वहां पे एंगल वाला बन रहा हो 180 145, मत करना अटेम्प्ट पहले, क्योंकि जैसे ही 145 और 180 वाला एंगल बना आप उधर फंसना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो वो अटेम्प्ट पहले नहीं करना है। फिर आपको मशीन इनपुट पे आते हैं, देखो कभी कभी किस्मत वाली बात है वो, मशीन इनपुट बहुत इजी वाला भी मिल जाएगा, डिफिकल्ट भी मिल जाएगा। जैसे मैंने लॉजिकल डीए के बारे में बताया, तुरंत हिट कर जाएगा, सामने आपको लिखा रहता है किस तरीके से डिकोड करना है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, समझ में ना आए तो अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो अगर आपको लगता है कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू करते हुए आ रहे थे तो आप वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करो अपना, क्योंकि मशीन इनपुट बनेगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। भले ही वो हो सकता है कि आप 4 मिनट में एग्जाम मॉक टेस्ट में कर रहे थे, यहाँ पे 6 मिनट लग रहा हो, बट वो टॉपिक क्या होते हैं, ड्यूएबल टॉपिक होते हैं, तो वहाँ से आपके नंबर आएंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना टाइम इज वर्थ इट, ठीक है। जब इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लो फिर आप जाओ सिटिंग अरेंजमेंट और उसमें। अब आपको चूज करना है कि भैया कौन सा वाला उठाऊँ, फिर वही बात है कि आपको चूज करना आना चाहिए कि क्या नहीं बनाना है, जो नहीं बनाना है छोड़ दो, जो बनाना है बनाओ। जैसे आप देख रहे थे आपको लग रहा था कि 3 वेरिएबल के साथ मैं 8 वाले में बना पा रहा था सही से, बना लो, कोशिश करो पिक करो अगर वो क्वेश्चन है तो। फ्लैट फ्लोर में अगर 2-2 वेरिएबल के साथ आ रहा था तो मैं वो बना रहा था, वो बनाओ पिक करो उसको, क्योंकि एट द एंड आप कोई ऐसा क्वेश्चन ना पिक कर लो कि उसमें आप टाइम भी इन्वेस्ट चला जाए आपका और आपको मार्क्स भी ना आए। क्योंकि यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 नंबर के 45 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप सिटिंग अरेंजमेंट बाद में बनाना, आप पजल बाद में बनाना, जो और आपके टॉपिक्स हैं कोडेड वाले सारे टॉपिक्स आपसे बनने चाहिए, मशीन इनपुट बनना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट इंग्लिश का 40 क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे कम क्वेश्चन 40 नंबर के 35 मिनट। इसमें भी आरसी आपको पहले टच नहीं करना है, बिल्कुल भी हाथ मत लगाना आरसी को, दूर से ही बोलना नमस्ते। क्यों? क्योंकि पहले आपको करना है स्पेलिंग मिस्टेक वाले जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा है फ्रेजल रिप्लेसमेंट आपको दिख रहा है और आपको फ्रेजेस के बारे में है आइडिया, आपने पढ़ी है, वहां पे जो आपको लग रहा है कि आपको मैच द फॉलोइंग्स मिलेगा, कॉलम 1 कॉलम 2 वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उसको बनाने की कोशिश करो, वो बनेगा। फिर आप आओगे किस में, पैराजम्बल पे, पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली श्योर शॉट मिलेंगे, हाँ उतने ईजी नहीं मिलेंगे जितने क्लैरिकल में थे, बट बनाए हो आप प्रैक्टिस करके आए हो तो बनेगा। 5 नहीं बनेगा, 3 तो बनेगा, पहला लास्ट और बीच वाला कहीं ना कहीं पहले से जो मिल रहा था या लास्ट के साथ जो कनेक्ट हो रहा था, वो 3 चीज़ें तो आराम से मिल जाएंगी आपको, वो भी बनेगा। स्पॉटिंग एरर है वहाँ से भी पिक करने की कोशिश करो। अगर आप देख रहे हो कि मतलब होता है ना कि एक सेंटेंस है अंडरलाइन करके छोड़ रखा है कि इसको कौन कौन ऑल्टरनेट रिप्लेस कर सकता है, वहाँ से बनाने की कोशिश कर सकते हो, वो बन सकता है। सबसे लास्ट में आप आरसी में जाओ, क्योंकि 2 आरसी आएगा, 1 आरसी तो चलो फिर भी ड्यूएबल होगा, 1 आरसी फिर वही बात है इतना डिफिकल्ट आएगा कि आप फंसो उसमें। और आपको क्वेश्चन ना जो आरसी डिफिकल्ट होगा, एक चीज़ नोटिस करना, उसके क्वेश्चन सिंगल सिंगल लाइन के होंगे, क्यों? क्योंकि वो हाइपोथेटिकल डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप अपने एजम्पशंस के थ्रू, आपने ऑथर क्या लिखा राइटर क्या लिखा आपने वो पढ़ा, अब अपने एजम्पशंस के थ्रू उसके आंसर लगो, ठीक है। और एक चीज मिस हो गई रीजनिंग में, माय बैड, रीजनिंग में एक चीज मिस कर रहा था मैं। देखो क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है
अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आपकी IQ लेवल अच्छा है, तो आप यहां से ना आराम से 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बट थोड़ा बहुत देख लेना, ऐसा ना हो कि अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो वहीं पे तुक्के लगाने बैठ जाना या टिक करने बैठ जाना, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो आप जितने भी ऑप्शन पढ़ोगे आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, वहां पे सारे अजम्पशन के जितने भी आपके ऑप्शन दिखेंगे वो लगेगा अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे सही तो हो नहीं सकते, तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रीजनिंग में एक चीज़ मिस हो गया तो ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर करना है अटेम्प्ट, और कितने आप तैयार हो इसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि सबसे पहले आप जितना भी तैयार हो आप उसी में जाके पेपर दे रहे हो, आपने अपना 100% एफर्ट लगा दिया है। अगले दिन अब कल बैठ के 14 तारीख को कोई मॉक मत लगाने बैठ जाना, क्योंकि अगर गलती से भी आप स्कोर डाउन चला गया ना, तो फिर वो माइंडसेट माइंड फ्रेम में आ जाएगा कि अरे यार डाउन ही जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आप कल बैठ के आप क्विजेज लगाओ ना, जितनी क्विजेज लगा सकते हो लगाओ, अड्डा 247 पे क्विजेज, फिर स्क्लॉट पे क्विजेज, हर जगह क्विजेज भर भर के पड़े हुए, डेली वाला लगाओ, वीकली वाला लगाओ, मंथली वाला लगाओ, मिक्स वाला लगाओ, कोई भी लगा दो, स्टैटिक का क्विज लगा दो, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी आपके साथ शेयर करनी थी कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है SBI क्लर्क मेंस में। तो ऑल द बेस्ट, जिनका भी 15 जनवरी को पेपर है, तो उस दिन मकर संक्रांति भी है, तो एक बोलते हैं ना नई शुरुआत होती है, जो नया दिन होता है दो तरीके से, एक कैलेंडर होता है इंग्लिश वाला, एक हिंदी वाला कैलेंडर होता है। हिंदी कैलेंडर में जो पहला दिन होता है वो 15 जनवरी ही होता है, उसी दिन से आपका डे स्टार्ट हो रहा था, मकर संक्रांति शायद होता है। तो ऑल द बेस्ट, एक नई शुरुआत हो जाएगी शायद से, वो दिन अगर अच्छा गया तो पूरा अगला अपकमिंग ईयर बहुत ही शानदार जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर है सरिता विहार में, वी कैन मीट देयर। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।